हाय गाइस, दिस इज फ्रेंकली साक्षी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे आप सब? मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चंगी और मज़ेदार। आप सबको पता है इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना सुपरी में, तो ऐसा लग रहा है कि वोल्केनो फटने वाला है। इतनी तेज धूप में नहीं निकले हैं बाहर, और जो भी निकले वो सेफ्टी के साथ निकले। गाइज, आप लोग भी अपना फुल टू फुल केयर करो, अपनी और अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, सबकी केयर करो गाइज। और फिलहाल गाइज, मैं आपको बताती हूँ, सुपरी का टेम्परेचर 41 है, वो भी सुबह सुबह। और मम्मी के हिसाब से फिलहाल अभी जो चल रहा है ना वो नॉर्थ पे है, और हर जगह सुपरी में ही नहीं, हर जगह। एक अच्छी बात भी है, नॉर्थ पे जितने ज्यादा तपते हैं उतनी अच्छी बारिश होती है, मतलब सभी अच्छा अच्छा पड़ता है। तो गाइस, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रख रहे हैं। फिलहाल अपन चलते हैं किसी और का ध्यान रखने के लिए। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही थी। तो गाइस, मैं बात कर रही हूँ ये चिड़ियों के पानी की। ये मुझे खाली मिलता है, और ये मिट्टी का तो है नहीं जो अपने आप में ही सोख ले, इसीलिए हमने सील कर रखा है। पुण्य कर रहे हैं, चिड़िया भी हमको दुआएं दे रही होंगी। आप लोग भी करना गाइस, जरूरी नहीं है कि कोई मिट्टी का ही बर्तन हो तभी आप रखो। कोई सेपरेट जो अगर आपके घर में कम यूज हो रहा है या फिर आप ज्यादा यूज नहीं करते हो उसको, वो भी ले सकते हो। तो गाइस, फिलहाल मैं दूध लेने जा रही हूँ नीचे से, क्योंकि शरबत पीने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है मुझे, मतलब कि वो होती है ना क्रेविंग। वैसे उसमें शक्कर डलेगी नहीं डलेगी पता नहीं, अगर डलेगी तो पीऊंगी नहीं, बिना शक्कर वाला ही ट्राई करूंगी, वो अच्छा नहीं लगा तो इनको ही दे दूंगी। तो चलो चलते हैं। ये मोबाइल चार्ज पे लगा दो पापा, पहले से ही चार्ज था इसलिए। ये देखो यार, दूध तो यहीं पे रखा है, पर पहले पानी पाउच ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला फ्रिज इतना ठंडा नहीं करता है। तो फिलहाल गाइस, मुझे कैमरा रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास दो ही हाथ हैं, और या तो मैं कैमरा पकड़ सकती हूँ या फिर दूध और पानी पाउच। जिंदगी में मैंने गाइस कभी दूध नहीं खोला, लेकिन मुझे शरबत पता नहीं क्या क्या करवा रहा है मुझसे। हमारे घर की कैंची भी ओल्ड जमाने की है, इसमें दूध ज्यादा भरा रहता है कि हवा, थोड़ी सी हवा रहती है। तो गाइस, दूध गर्म करने रख दिया है, अब गर्म हो जाए फिर उसके बाद ठंडा करेंगे, क्योंकि गर्म का शरबत कौन बनाता है। मैं जा रही हूँ बच्चों को डांस सिखाने के लिए, और आज सरप्राइजिंगली खुशी भी जा रही है मेरे साथ, तो अच्छी बात है काफी ज्यादा। एक तरफ से बुरी भी बात है, खुशी तो बच्चे इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं ना, फिर वो मेरे पास नहीं आते, फिर वो खुशी 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 दीदी कहाँ है, खुशी दीदी कहाँ है। ये देखो, ये मेरा ग्लूकोज का पानी, खुद भी पी लेना। मैंने आपसे सुबह कहा था ना कि प्रिकॉशंस पहले लेना है, तो देखो मैं ग्लूकोज का पानी ले रही हूँ, और मुंह पर पट्टी बांध के भी जाऊंगी जिससे कि टैनिंग नहीं आ जाए। वैसे आपके लिए बहुत जल्दी स्किन केयर भी आने वाला है, जो कि मैं बताने वाली हूँ आप सबको। फिलहाल अभी मैं लेट हो रही हूँ, तो जाती हूँ बाय। क्या बोली, क्या बोली? स्किन केयर भी आने वाला है। जो इंसान खुद कभी स्किन केयर नहीं करता है वो स्किन केयर वीडियो लेकर आएगा। हैं दीदी, तूने कब कब फॉलो किया स्किन केयर? मैं तो उससे सिर्फ बेसन, हल्दी, गुलाब जल लगाने की कहती हूँ मलाई के साथ, वो तो आज तक तूने लगाया नहीं है। रोज नहीं लगाती हूँ गाइस, हफ्ते भर में एक बार लगाती हूँ, छह महीने में एक बार। बाय गाइस, हम लोग आज लेट हो गए, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। वैसे मैं नॉर्मली चली जाती हूँ, लेकिन आज खुशी जा रही है ना, तो मैं लेट हो गई। मैंने तेरी बुराई कर दी तो तू भी मैंने तुम लोगों से बोला है कि मुझे सेंट ला दो, सेंट ला दो, पर नहीं चले मम्मी। हाँ, ये मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी से ले जा रही है मम्मी, मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा पता नहीं, मेरे रिस्क पे जा रही हूं। बात बोलो ठीक है, मेरे जैसी दस आएंगी चिल्लड़ में बच रही है। अरे वो मेरे पास थे तो सही, पैसे में कहाँ गई? अरे चल लड़के ना है तो चलो, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं आती। लौट गया हूँ तो क्या यू मोड़ी बात थी, 6 बजे चली जाए करो, शाम हो जाती है, 7 बजे के बाद ले लू रही था। ठीक है, बात करो डांस के साथ, ड्राइंग, कॉलेज, बहुत सारी चीजें। अरे समर वेकेशन चल रही है ना, उस वजह से खुशी आनंद आ रहा है, जल रही है दीदी, हाथ भी जल रहे, हाथ भी चल रहे, दीदी इज एब्सेंट टुडे, तो उसकी जगह वॉइसिंग मैं कर रही हूँ, और मुझे अच्छे से आइडिया है कि वो क्या बोलेगी। यहाँ वो यही बोलेगी कि मैं कुछ ऐसे डांस सिखाती हूँ।
और यहाँ शायद ये बोलेगी कि वैसे अपने मुंह से अपनी तारीफ करनी तो नहीं चाहिए पर फिर भी मैं कर लेती हूँ, और वो तारीफ ये है कि मुझे बच्चों को ट्रीट करना बहुत अच्छे से आता है। सरप्राइजिंगली इस सोसाइटी का नाम क्या है? गोगोल होम सोसाइटी। ये लॉक लगा, मुझे लॉक भी लगाना नहीं आता है। ये देखो क्या है ये। तो गाइस आज गुरुवार है तो हमने सोचा हम विष्णु मंदिर चले जाते हैं। वैसे तो खुशी के मुंह से निकल भी गई थी, अभी हम जा रहे हैं भगवान के पास, थोड़ी देर बैठेंगे गपशप करने के लिए जा रहे हैं। बर्फी लेने दी, बर्फी नहीं अगर अगर देना तो नहीं। नवीन हवाई है बहन ना के नहीं आई? अरे नवीन हवाई की बात नहीं है, तूने मेरा ये छोड़वा दिया तो ये खोल भी खोल लो, ले लो ले। भगवान को शक्ल दिखाने भी जरूरी रहती है, अभी वो किसी और के मैं पुण्य डाल दे तो ये अच्छा था। खैर चुक रहे हैं दीदी, मैं हाथ धो लूँ क्योंकि मेरे जूते चप्पल का। पंडित जी माचे सर, अच्छा मिल रही क्या? केला तो खाई सकती हूँ। पता है बचपन में खुशी तू और मैं इतना ज़्यादा खेले हैं, और एक कांड पता है गाइस आपको, एक कांड बताती हूँ। यहाँ पर ही प्रसाद बनता है, ये जो हमने बाहर से लिया था, उधर बेसन के जाने सिलेंडर फट गया था, इतनी तेज आग लगी थी। ये पूरा ये जो घर है हाथ पट्टी अभी तो बहुत बन गया, पहले तो खुला मैदान था जब मैं 3-4 साल की थी और तू 1.5 साल की। पहले हम लोग इस पे चढ़ती पर खम्मा देते थे, अभी ये वाला बना दिया है पता नहीं क्यों ये। और मैं चली भी जा रही हूँ, मेरे को होश भी नहीं है। अरे मैं हमेशा चोटी बना के क्लेचर लगाती हूँ ताकि मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ जाके खोल सकूँ। ऐसा ही डोमिनोज जब अपन गए थे तब भी मैंने किया था, मैं जूड़ा मार लेती हूँ ना तो घर आकर ही खुलता है मेरा, कभी भी उस जगह पे नहीं खुला जिसके लिए बांधा होता है। समझ आया आपको? आया क्या गाइस? मुझे भी नहीं आया। अरे मतलब मेरे को वहाँ जाके खोलना था पर मैं भूल गई और मैं लौट के भी जा रही हूँ, मेरा जूड़ा बना हुआ है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फाइनली गाइस घर आ गए, घर से आगे आ गए। बड़ा जो आता दे रही है ना आपको उठने वाली है ना, और तेरी से जुल्फे निकल लेंगे। हाय जुल्फे मैं क्या करूँ, मैं बांध के अच्छे से जाती हूँ और निकल जाती हूँ, मेरी गलती नहीं है। वैसे नहीं निकलती, हाँ जी निकल लेंगे। ये क्या कर रही हो? मोबाइल के प्लेट चला के जी सो रहे थे इसलिए। अरे वाह प्रसाद मिल गया लाड़ू, उसे उठा दे दीदी उसके मुंह में डाल दे वो खा लेगा सोते सोते। देखियो खाना खा ले। मुझे लगा तू अपनी तरह मुझे भी डाइट पर रख रही है। थैंक यू। एक मिनट चिल्लू भर देगी मुझे पता है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि जग रहे होंगे। नहीं वो सो रहे हैं, पर लड्डू को देख के जग गए। गाइस यहाँ पर शरबत की तैयारी हो रही है। भैया प्लीज उसको पाइलेटिंग कराओ, भैया प्लीज उसको पाइलेटिंग कराओ। आइस के हिसाब से तरबूज थोड़े कम नहीं लग रहे? नहीं नहीं नॉर्मल है, बर्फ तो ज्यादा होती है। बस दूध डाल दो, इससे पानी ज्यादा नहीं कर दिया इसमें? कल भी बनेगा ना? नहीं कल का नहीं बनेगा। क्या खा रहे हैं? किसने बोली? टेस्टी, वेरी गुड। शरबत की सबसे मेन चीज मेरे हाथ लग गई है पर वो खुली नहीं रही है बस। चम्मच, अरे पहले ये नहीं, पहले ये डालेंगे तभी तो अच्छा लगेगा। हाँ पहले शरबत, ये चाशनी। ओके दूध मलाई डाल लिया, अगर डालनी है तो ये। तो गाइस पहली बार पी रहे हैं और पहला एक्सपीरियंस है। वैसे ये रुआबजा क्या होता है ये हमको खुद नहीं पता था, बस जहाँ मिलता था पी लेते थे कि क्या है ये, पिंकिश टाइप का हो गया यार। पिंक कलर किस किस को पसंद है जल्दी से कमेंट कर दो। मुझे नहीं है, मोस्टली गर्ल्स फेवरेट होता है ना, मेरा फेवरेट नहीं है। आजकल तो ब्लैक हो गया है सबका फेवरेट, मेरा ब्लैक भी नहीं है। एक बार मैं करूँगी खुशी, भैया प्लीज। अभी उसमें शुगर डली है? अरे हाँ ये तो शुगर घी वाला बनाता था, तो पहले बताया नहीं यार उसमें शुगर डाली है। मम्मी ये ना, ये है मोहब्बतों का शरबत। मोहब्बत का शरबत या मोहब्बत वाला शरबत? कैसा लग रहा है? क्या हो गया? अच्छा नहीं लग रहा।
ना तो जे शरबत जैसो ना जे रुआब जा जैसो कछु जैसो ना लगे कछु स्पेशल जैसो ही लगे अब जा मैं हतकाए सो पतो ही ना अब टेस्ट कैसा बनना हूं तो कैसा भी नहीं आना तो कैसा भी नहीं आना कैसा भी नहीं आना क्या इंसल्ट हो गई अपनी होती बहुत ही बुरा सा लग रहा है मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे दूध जैसे पी रहे हो कछु तो रोज कम है क्या पानी वाला दूध अरे पानी वाला दूध वो स्टार्टिंग में तुम्हें वो नहीं करनी चाहिए थी शक्कर वो नॉर्मल डालनी चाहिए थी पानी नहीं तो शक्कर वक्कर तो सब बढ़िया है खैर प्रजा को टेस्ट ना पता जो आप जाए कि जो दूध की वो है वो ठंडा ही हो जाती है क्या तरबूज को वो है नहीं तुझे भी पसंद नहीं आया तू पी के देखे एक बार ऐसा लग रहा है दूध का कोई टेस्ट ही नहीं है पानी में तरबूज और रुआबजे का आ रहा है ठंडा है बर्फ का अरे ठंडा ही जैसी लग रही है दूध से थोड़ी थोड़ी ऐसी लग रही है जैसे ठंडा ही हो जैसे वो ठंडा ही ना हो दूध में पता ना क्या करो तुमने करो का है जाना बेकार लग रहा है गाइस मुझे शक्ल से ही पता चलने लगूंगी तो मेरा भी पीने का मन नहीं कर रहा रहने दो मैं नहीं पी रही मैंने टेस्ट तो करना पड़ेगा तुझे नहीं 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 उसके टेस्ट करने का मन होगा भी ना तो भी उसका अपन लोगों की शक्ल देख के मन पता लगा यार।